बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, वो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरी वीडियो मेरे बर्ड्स के बारे में होती है। तो ये बर्ड्स वगैरह हैं मेरे, ये मोर है, मेल फीमेल, ये तीन मुर्गियां हैं, एक मुर्गा है, और इधर कुछ मेरे कबूतर वगैरह हैं जो बाहर नहीं निकले हुए। हमेशा से मैं आपके साथ यही शेयर करता हूँ, अपने कबूतर वगैरह, अपने मोर मुर्गियाँ यही हैं फ़िलहाल मेरे पास। तो ये चेक करें आप, माशाल्लाह से ये अंडों में बैठे हुए हैं, कुछ जोड़े हैं और कुछ बच्चे वगैरह हैं जो ऐसे ही हैं। ये आपने देखा, यहाँ पे पानी वगैरह मैं डालता हूँ, ये डंडे वगैरह लगे हुए हैं जाले के अंदर, ये जो कबूतरों का जाल है, कबूतर यहाँ पे उड़ते हैं, बैठते हैं रात को यहाँ पे। इसी केज में जो है ना मोर भी होते हैं, तो ये दोनों ऊपर चढ़ के इन डंडों पे ऊपर, इनको ऊंची जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। तो मोर इधर बैठता है ऊपर, तो फीमेल जो है वो इधर बैठती है। पौधों की सूरत हाल ये है, ये सामने आपके लगे हुए हैं पौधे वगैरह, ये भी मैं आपको डेली चेक करवाता हूँ, पौधे और परिंदे वगैरह। तो मुझे ये इन दोनों चीज़ों का बहुत शौक़ है, मैं बड़े शौक़ के साथ, पौधों का भी मुझे बहुत शौक़ है और परिंदों का भी। तो और परिंदे भी मैं लेके आऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। कल मैं गया था मार्केट में, छोटे छोटे जो चूज़े होते हैं ना वो लेने के लिए गया था, लेकिन वो नहीं अभी तक मार्केट में आए। तो जो ही वो आते हैं तो वो भी मैं 10-15 लेके आऊँगा। मैं पहले भी लेके आया था छोटे छोटे, और उनको ये जो मुर्गियाँ हैं ना, ये बड़ी, ये मैं छोटे छोटे चूज़े लेके आया था उनको पाल के, तो ये बड़ी हुई थी, चार थी, तो छः थी, इनमें दो मुर्गे थे वो मैंने सेल कर दिए थे, और दो मुर्गियां थी जो वो मर गई थी, तो ये दो बच गई हैं माशाल्लाह, ये अभी अंडे दे रही हैं। और ये मैंने एक ये रेड सी और ये मुर्गा वगैरह मैंने ख़रीदे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने परिंदों की तादाद बढ़ाऊँगा और आपके साथ भी शेयर किया करूँगा, जैसा कि मैं अभी भी शेयर करता रहता हूँ। तो इधर ये मुर्गियों का केज है जनाब, ये फीमेल इधर बैठी हुई है, ये चेक करें अंदर, मुर्गियों ने अंडे वगैरह दे दिए हुए हैं, ये चेक करें, ये इन्होंने अंडे दे दिए हैं, लेकिन एक मुर्गी ने कहीं इसको चूँच वगैरह मार के, तो ये चेक की है, तोड़ना चाह रही थी माशाल्लाह से। तीनों मुर्गियां अंडे देती हैं, दो ने दे दिए हैं और एक अभी देगी इंशाल्लाह। मौसम की सूरत हाल ये है, आसमान पे हल्के हल्के से बादल वगैरह हैं, लेकिन धूप है, ये सूरज चमक रहा है बहुत ज़बरदस्त, ये चेक करें चारों तरफ। इनको बाजरा वगैरह डाला था, कबूतर नहीं निकले, ये अभी चावल वगैरह हैं, मुर्गियाँ वगैरह खा रही हैं। तो ये केज वगैरह भी खोल देते हैं ताकि कबूतर अगर बाहर आएँ तो खाना चाहें तो आके खा लें, ये भी खोल देते हैं। ये हवा के साथ डोर बंद हो जाता है, तो इसके आगे ये मैंने वाइपर लगा दिया ताकि ये डोर बंद ना हो।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ये छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।